हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट न्यू लेसन चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, फर्स्टली वी सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लिसन, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। ये चैप्टर लर्न करने के बाद हमें क्या क्या पता चलने वाला है, हम क्या क्या लर्न करने वाले, ये यहाँ पे दिया गया। ओके, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं वो हम इस चैप्टर से लर्न करेंगे। ओके, देन ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रॉपर्टीज, देन वी लर्न अबाउट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट मीन्स मैटर। ओके, देन वी सी प्रॉपर्टीज सच एज अपियरेंस, टेक्सचर, हार्डनेस, सोलुबिलिटी इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लोटेशन। ये प्रॉपर्टीज हम लर्न करने वाले। आफ्टर दैट वी लर्न नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हम इम्पोर्टेंस की इंफॉर्मेशन जानने वाले। ओके, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली वी रीड, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स लाइक डेस्क, चेयर, ब्लैकबोर्ड, डोर, फैंस, टॉयज, मोबाइल, क्लॉथ, शूज, कंप्यूटर and so on. All these things are objects. All objects differ in shapes, size, color and many other aspects as well. But all objects are made up of one or more material and have different properties. Now listen carefully. When you look around, हम अपने आसपास देखते हैं, we see large number of things, बहुत सारे things देखते हैं, for example desk, chair, blackboard, door, fan, toy, mobile, glass, shoes, computer, so on, बहुत सारी चीजें। These things are object. उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, object means all things are called objects. Okay, all objects differ in shape. सभी objects का shape अलग होता है, size अलग होता है, color अलग होता है. Okay, अलग अलग color के होते हैं, size अलग अलग color के होते हैं. Then but all the objects are made up of one or more material. All objects made up of objects जो रहते हैं वो एक या एक से ज्यादा material के बनते हैं। जैसे हमने for examples लिया है belt, okay? Belt लिया है, belt किससे बना है, यहाँ पे ये metal है steel का और ये leather है। These objects means belt are made up of two material. First is leather and second is metal. That means two object. Okay? Then some commonly used material are, यानी commonly material किस किस किन किन चीजों से बनते हैं वो देखते हैं। Firstly metal के, हमारे घर में बहुत सी चीजें metal की होती है। Okay? Glass, ग्लास के होते हैं, जैसे विंडो ग्लास के बनाते हैं। ओके, देन प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के टॉय होते हैं, पेपर, पेपर के भी होते हैं, वुड, वुड का डोर होता है, देन फाइबर, फाइबर में आता है कॉटन, सिल्क, जूट। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने ये लर्न किया है। देन क्ले, मिट्टी के होते हैं, क्ले मीन्स मिट्टी, जैसे ये दिया है। ओके, दिस इज अ क्ले। देन लेदर, ओके, यहाँ पे दिया है, ये रबर है,
और ये मेटल और लेदर का है, ये क्ले, ये ग्लास का है, प्लास्टिक्स, पेपर्स, हमारे बुक्स, देन फाइबर, फैब्रिक्स, दिस मेड अप ऑफ कॉटन, सिल्क मीन्स प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर और मैनमेड फाइबर, देन दिस इज अ वुड टेबल चेयर. ओके, मटीरियल मे बी नेचुरली अवेलेबल और मैनमेड. जो मटेरियल होते हैं यहाँ पे, जो मटेरियल यूज किए वो नेचुरली हो सकते हैं या मैनमेड होते. इसमें मैनमेड होते फैब्रिक्स में, जैसे रेयान है, यानी मैनमेड फाइबर का जो क्लॉथ्स रहता है वो होता है मैनमेड. ओके, मटेरियल सच एज वुड, मेटल, कॉटन, क्ले ऑकर नेचुरली. वुड है, कॉटन है, कॉटन का अगर क्लॉथ्स रहा तो, देन क्ले है, दीज आर द नेचुरली. बट स्टील, प्लास्टिक, ग्लास और नायलन के क्लॉथ्स आर मैनमेड. ओके, आफ्टर दैट वी टेक वन एक्टिविटी, एक्टिविटी वन, टू आइडेंटिफाई मटेरियल ऑफ कॉमन यूज. कॉमन यूज में जो मटेरियल यूज होते हैं वो हम इस एक्टिविटी से देखेंगे. ओके, हमें यू विल नीड, हमें क्या जरूरत है, डिफरेंट थिंग्स एट द होम. हमारे घर में जो भी चीजें हैं उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और ये जो ऑब्जर्वेशन बॉक्स है वो फिलअप करेंगे. ओके, देन प्रोसीजर, मूव अराउंड इन योर होम. रूम में घूमना है, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम. ओके, यहाँ पे दिया है प्लेसेस, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, एनी अदर प्लेसेस, मीन्स ये चार रूम छोड़ के बाकी का जो भी प्लेसेस है वहाँ पे. जैसे बाथरूम, बाथरूम में कौन कौन सी चीजें ये लिखना है, ठीक है, यहाँ पे. उसके बाद वो चीजें, जैसे बाथरूम में मग होता है प्लास्टिक का, यहाँ पे मैं लिखता है, ठीक है, मग होता है, किसका बनता है ये, प्लास्टिक. जो जो चीजें वो आप लिख सकते हो. ओके, देन किचन, किचन में क्या होते हैं, चेयर वगैरह होते हैं, यहाँ पे लिखना है क्या क्या होता बनना है, कौन कौन सी स्टील की चीजें होते हैं, आपके यूटेंसिल रहते हैं, ओके, वो स्टील के रहते. देन ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में क्या क्या है, क्लास वगैरह रहते हैं, विंडो के वो फाइबर के रहते हैं. ओके, देन स्टडी रूम, स्टडी रूम में क्या रहते हैं, आपके बुक्स रहते हैं ना, बुक्स क्या के बने, पेपर, यर राइट पेपर, देन एनी अदर प्लेस, मीन्स कोई भी प्लेस लेना है, कौन कौन सी चीजें वो लिखना है. ओके, इन दैट वे वी कंप्लीट द एक्टिविटी वन. ओके, देन वी सी एक्टिविटी टू, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल विच मे बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. ओके, टेबल चेयर किससे बनता है, कौन कौन से चीजें से बन सकता है, पहला वुड का भी होता है, प्लास्टिक, मेटल, केन, इन चारों चीजों का अलग अलग टाइप से टेबल और चेयर बनाए जाते हैं. देन यूटेंसिल, वुड की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, मेटल की भी होती है. उस तरह से आपको ये भी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.